हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो चित्रकूट से आ रही है। जिस तरह से शराबकांड चित्रकूट में चला था, इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। चित्रकूट शराबकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ में बैठे अफसर चतुर सेन को बचा रहे थे। चित्रकूट के बीजेपी विधायकों ने सितंबर में पत्र लिखा था। बीजेपी के सभी नेताओं ने पत्र में हस्ताक्षर भी किए थे। डीईओ चतुर सेन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी एमएलए और नेताओं को पत्र पर एक्शन नहीं लिया गया है। पत्र में राज्य मंत्री चंद्रका उपाध्याय के भी हस्ताक्षर हैं। विधायक आनंद शुक्ला के लेटर हेड पर शिकायत की गई है। शिकायती पत्र में चतुर सेन को हटाने की मांग की गई है। सितंबर 2020 में यह पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया था, लेकिन चतुर सेन को लखनऊ के अफसर बचाते रहे। चित्रकूट में जहरीली शराब से अब तक 7 मौतें हो चुकी है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर चित्रकूट से आ रही है। इस शराब कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जहरीली शराब में अब तक 7 की मौत हो चुकी है। लखनऊ में बैठे अफसर चतुर सेन को बचाया जाने की कोशिश की जा रही थी। चित्रकूट के बीजेपी विधायकों ने सितंबर में ही पत्र लिखा हुआ था। बीजेपी के सभी नेताओं ने पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। डीईओ चतुर सेन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी एमएलए और नेताओं ने पत्र पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। पत्र में राज्य मंत्री चंद्रका उपाध्याय के भी हस्ताक्षर देखने को मिले। शिकायती पत्र में चतुर सेन को हटाने की मांग की गई थी। सितंबर 2020 में ये पत्र मुख्यमंत्री को भी भेजा जा चुका है, लेकिन चतुर सेन को लखनऊ के अफसर बचाते रहे। और इस पूरी शराब कांड में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। में बहुत बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है। लखनऊ में बैठे अफसर चतुर सेन को बचाने की कोशिश की जा रही थी। चित्रकूट के बीजेपी विधायकों ने सितंबर में ही पत्र लिखा था। बीजेपी के सभी नेताओं ने पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। डीईओ चतुर सेन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी एमएलए और नेताओं के पत्र पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पत्र में राज्य मंत्री चंद्रका उपाध्याय के भी हस्ताक्षर हैं। विधायक आनंद शुक्ला के लेटर हेड पर यह शिकायत दर्ज कराई गई थी। सितंबर 2020 में पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया था, लेकिन चतुर सेन को लखनऊ के अफसर बचाते रहे। और इस पूरे शराब कांड में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी का। इसके क्या इनपुट मिल पा रहे हैं इस पे? इस पूरे शराब कांड में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अफसर एक शख्स को बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। पहले भी हमने देखा कि 2020 में ही पत्र लिखा जा चुका है, मुख्यमंत्री को भी पत्र सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? एसके, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए इसी बीच कि चित्रकूट शराब कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शिकायती पत्र में चतुर सेन को हटाने की मांग की गई थी, और सितंबर 2020 में ही इस पत्र को मुख्यमंत्री के पास भेजा जा चुका था, लेकिन चतुर सेन को लखनऊ के अफसर बचाते रहे। एसके, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या इस पर इनपुट मिल पा रहे हैं? इसके एक के बाद एक अफसर जुटे हुए थे बचाने के लिए। पत्र भी लिखा जा चुका था मुख्यमंत्री को। इस पर कोई इनपुट क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस पूरे शराब कांड में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एसके से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। देखिए किस तरह बीजेपी के सभी नेताओं के पत्र पर हस्ताक्षर थे, लेकिन चतुर सेन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। बीजेपी एमएलए और नेताओं के पत्र पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। इस पूरे शराबकांड में 7 लोगों की मौत हो चुकी है।
चंद्रिका उपाध्याय राज्य मंत्री फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रिका, आपसे जानना चाहेंगे कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया जबकि सबके हस्ताक्षर किए हुए थे। इस पूरे शराब कांड में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। चंद्रिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए तो जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अपडेट देखिए यहां पर बड़ा आ रहा है। लखनऊ में बैठे अफसर चतुर सेन को बचाने की कोशिश की जा रही थी। चित्रकूट के बीजेपी विधायकों ने सितंबर में ही पत्र लिखा था, गंभीर आरोप लगे हुए हैं चतुर सेन पर। बीजेपी एमएलए और नेताओं के पत्र पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, यह भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, एक पत्र वायरल हुआ है और ये महत्वपूर्ण पत्र है। जिस तरीके से चित्रकूट में 7 लोगों की जान जहरीली शराब पीने के बाद चली गई, तो कहीं ना कहीं ये पत्र वो सच्चाई बता रहा है कि जिस तरीके से विधायक, मंत्री, सांसद लगातार शिकायत करते रहते हैं कि उनकी बात अफसर नहीं सुन रहे, तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा पुख्ता प्रमाण है कि एक पत्र जो कि विधायक आनंद शुक्ला ने लिखा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी शामिल है, बीजेपी के चित्रकूट जिलाध्यक्ष शामिल है, महामंत्री शामिल है, मंत्री शामिल है, साथ ही साथ में जो स्थानीय स्तर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी नेताओं ने इस पत्र पे शिकायत की है। और ये पत्र 6 महीने पुराना है, मतलब 6 महीने पहले ही जिला आबकारी अधिकारी चित्रकूट की शिकायत शासन स्तर पर विधायक और मंत्री के माध्यम से की गई थी, और वो शिकायत एमपी एमएलए प्रकोष्ठ जो कि मुख्यमंत्री मीडिया का है वहां पर उसको रिसीव भी किया गया। लेकिन बड़ी बात यही है कि उस पर कुछ समय उस पत्र पर अगर कार्रवाई होती तो शायद ये दिन आज देखने को नहीं मिलता। उस पत्र पर 6 महीने बाद तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसका बड़ा खामियाजा ये हुआ कि 7 लोगों की जान जहरीली शराब से चली गई। अगर हम पत्र की बात करें जो कि विधायक आनंद शुक्ला ने लिखा था, जिसमें मंत्री के भी हस्ताक्षर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 6 महीने पहले पत्र लिखा जा चुका था, चित्रकूट के सभी बीजेपी विधायकों ने इस पत्र में अपने हस्ताक्षर किए थे, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों एक अधिकारी को बचाने की कोशिश बार बार की जा रही थी? आप बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है जैसा कि आप कह रही हैं, ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब शिकायत पहले ही थी जिसमें ओवर रेटिंग की शिकायत थी, उनकी कार्यप्रणाली की शिकायत थी, जिस तरीके की लापरवाही वो बरत रहे थे उसकी शिकायत इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को की गई थी, लेकिन बावजूद इसके लखनऊ में बैठे बड़े अफसरों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उस एक्शन का ना लेने का सबसे बड़ा खामियाजा ये हुआ कि 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अब चतुर्सेन को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सस्पेंशन में 7-5 की देरी क्यों हुई, आखिर इन 7 लोगों की जान जाने तक इंतजार क्यों किया गया। ये जो एक्शन हुआ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद हुआ है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पूरा मामला आया तो उन्होंने सीधे तौर पर अफसरों को सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए, पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद चतुर सेन का अब सस्पेंशन होना, जब पहले ही गंभीर आरोप चतुर सेन पर लगे थे तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी चतुर सेन के खिलाफ? अब तक तो 7 लोगों की जान जा चुकी है, 6 महीने पहले पत्र भेजा जा चुका था, मुख्यमंत्री तक को यह पत्र भेजा जा चुका था, क्यों नहीं सुनी गई? सभी बीजेपी चित्रकूट की, जितने भी बीजेपी विधायक हैं, उन सभी के हस्ताक्षर थे इस पर, 7 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है? अब कुल बड़ा सवाल यही है कि जो लखनऊ में आलाधिकारी बैठे हैं, जिनके ऊपर इस चीज की जिम्मेदारी थी कि वो इस पत्र पर कार्रवाई करते, जांच कराते या जो भी उस समय आवश्यक था वो एक्शन लेते, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उन्होंने वो एक्शन उस समय नहीं लिया, जिसमें मंत्री के साइन है, विधायक ने पत्र लिखा है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की जिला की पूरी कार्यकारिणी उसमें अपने हस्ताक्षर करती है, जिसमें जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ में जिला महामंत्री और जितने भी जिला मंत्री हैं सभी उस पत्र में अपने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देते हैं और बताते हैं लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों को कि कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्यप्रणाली चतुर्सेन द्वारा अपनाई जा रही है जो कहीं ना कहीं चित्रकूट के लिए घातक है, उनको हमारे जिले से हटा दिया जाए, और जिसमें ओवर रेटिंग से लेकर उनकी बाकी कार्यप्रणाली की शिकायत लिखित तौर पर जाती है। लेकिन बावजूद इसके 6 महीने तक ये पत्र लखनऊ के अधिकारी दबा कर रखते हैं, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते, और यहाँ तक कि हम बात करें कि जब News1 India का कैमरा उसके पास पहुंचता है, उससे पूछता है। राज्य मंत्री चंद्रिका उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चंद्रिका, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से
पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। विधायक आनंद के लेटर हेड पर इस पत्र पर सभी बीजेपी विधायकों के हस्ताक्षर किए गए हैं। 6 महीने पहले यह पत्र भेजा जा चुका था, लेकिन किसकी लापरवाही समझी जाए, क्यों नहीं तब कोई कार्रवाई हुई? आखिर इन 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार आज किसको ठहराया जाए? अब इस संबंध में तो आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करके कम से कम 1 दर्जन पुलिस, एक्साइज, रेवेन्यू, मजिस्ट्रेट सारे लोग निलंबित हैं, कुछ लोग बर्खास्त हुए हैं, तो अधिकतर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और यही लोग जिम्मेदार थे, इसीलिए ये घटना घटी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन चंद्रिका जी, सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं, 7 लोगों की जान जा चुकी है, अगर पहले ही ये कार्रवाई, पहले ही ये सस्पेंशन किया जा चुका होता, कौन बचाने की कोशिश कर रहा था, वो अफसर कौन है जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई सारे स्तरों पर हो गई है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे वो कोई बचे नहीं है, और ये नीचे लेवल के अधिकारी ही जो शराब, चाहे वो अवैध हो या वो जहरीली शराब हो, तो रोकने का काम इन्हीं अधिकारियों का था जो दंडित हुए। ठीक है, शुक्रिया चंद्रिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ यहाँ पर, बचाने की कोशिश की जा रही थी, सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, अब सस्पेंशन किया गया है चित्रकूट शराब कांड में। एसके वाजपेयी, देखिए कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि जब ये पत्र ही 6 महीने पहले भेजा जा चुका था तो उस पर तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और ये जब बीजेपी विधायकों के हस्ताक्षर ऑलरेडी उस लेटर हेड पर थे तो क्यों नहीं इस पर बड़ा एक्शन लिया गया? ये भी सवाल खड़ा होता है कि इन 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब सस्पेंशन क्यों नहीं किया गया? पहले इस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है, जब पत्र लिखा गया उस पर सारी बातें बताई गई, जो बीजेपी के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनकी सहमति इस पत्र में थी कि उन्होंने यह तस्दीक की थी कि किस तरीके की कार्यप्रणाली जिला आबकारी अधिकारी चतुर्सेन द्वारा अपनाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके उस पत्र पर कार्रवाई न होना बड़ी हम कहें कि चिंता का विषय भी है, और एक बड़ा हम कहें कि बचाने की जो कोशिश थी आला अधिकारियों की वो भी बने रहेगा। आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि जब पहले ही बीजेपी विधायकों के हस्ताक्षर थे पत्र को, और उस पत्र को मुख्यमंत्री के भी बाद भेजा जा चुका था, तब अवसर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब सस्पेंशन करने से क्या? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके कई सारे सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं और बार बार हम विधायकों से जुड़ने की कोशिश करें और यही सवाल हमारे रह रहे हैं कि पत्र भेजा जा चुका था, कार्रवाई कोई नहीं की गई है, इन मौतों का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो कार्रवाई हुई है वो जिला स्तर पर तब हुई है जब ये 7 मौतें हो चुकी थी, लेकिन सवाल यही है कि अगर पहले ही अगर इस पत्र पर कार्रवाई हो जाती तो शायद हम कहें कि ये मौतें बच सकती थी, क्योंकि जिस तरीके की कार्यप्रणाली जिला आबकारी अधिकारी की तरफ से अपनाई जा रही थी, जो लापरवाही चल रही थी, जिस तरीके से जिले में ओवर रेटिंग हो रही थी, शराब माफिया हावी थे, इन सारी चीजों को लेकर शिकायत हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके शिकायत पर कोई भी कार्रवाई लखनऊ स्तर से नहीं की गई, और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि तब तक वो जिला आबकारी अधिकारी वहां पर बना रहता है, जो बाकी के अफसर हैं जिन पर आज डेट में कार्रवाई हुई है वो उन जगहों पर बने रहते हैं, और जब 7 लोगों की मौत हो जाती है कहीं ना कहीं उसके बाद इस तरीके का एक्शन होता है, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद, तो आखिर अफसर किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की थी? ये 6 महीने तक पत्र क्यों दबा कर रखा गया? क्यों इस समय का इंतजार किया गया? और आज जब मुख्यमंत्री ने जब सख्त एक्शन ले लिया है, उसके बाद करीब दर्जन भर लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी हो, चाहे सीएम हो, सीओ हो, प्रभारी हल्का हो, या उसके अलावा रक्षी हो, चाहे वो आबकारी के निरीक्षक हो, सभी पर कार्रवाई की है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर 6 महीने बाद क्यों?
ये जो जिस समय पत्र लिखा गया, जिस समय इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई, आखिर उस समय कार्रवाई अफसरों ने क्यों नहीं की और 6 महीने तक इस पत्र को दबा के क्यों रखा गया? और अब जब पूरा मामला सामने आ चुका है, 7 लोगों की जान जा चुकी है, ऐसी स्थिति में ये कार्रवाई कहीं ना कहीं ठीक है। बीजेपी एस के वाजपेयी, इसी बीच बीजेपी विधायक का आनंद हमारे साथ जुड़ गया। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, पत्र पहले लिखा जा चुका था, 6 महीने पहले सभी बीजेपी विधायकों की चित्रकूट के वहां से हस्ताक्षर भी किए गए थे, लेकिन आनंद शुक्ला सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि अब सस्पेंशन से क्या, जब पत्र मुख्यमंत्री को भी 6 महीने पहले भेजा जा चुका था, तब कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, मैं ये जानकारी आपकी बात विषय बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज इसमें कार्रवाई में उप जिलाधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी और उसके अंडर में 4 लोग थे, सब निलंबित किए गए हैं और भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन ये सत्य है कि हमारे द्वारा सितंबर के माह में चिट्ठी लिखी गई थी और माननीय मंत्री जी भी उसमें हस्ताक्षर किए थे, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने भी, जो बड़ी गंभीर शिकायतें आ रही थी, उन शिकायतों का विस्तार रूप से उल्लेख उस चिट्ठी में नहीं किया गया था। लेकिन उस चिट्ठी को किन उच्च अधिकारियों ने रोक रखा, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मैंने आज ही एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के इस विषय का उल्लेख करते हुए चिट्ठी लिखी है कि अगर ये काश ये कार्रवाई पहले हो गई होती तो संभवतः हम लोग इस जो गई है जाने उनको बचा सकते, लेकिन होनी और होनी होना अपने उसमें है, लेकिन हम लोग का जो दायित्व, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन हम लोग अगर सही समय पर कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सजगता पूर्वक निर्णय ले रहे हैं, लेकिन यही बार बार आनंद जी सवाल भी यही उठ रहा है कि जब 6 महीने पहले इस चीज की जानकारी दी गई थी, सरकार को भी इस चीज की जानकारी दी गई थी, तो अधिकारी क्यों इस पर कोई एक्शन लेते हुए नहीं नजर आए हैं? शायद आज उन 7 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर जहरीली शराब पर सख्त एक्शन लिया गया है। एक तरफ त्योहारों का सीजन आ चुका है, अगले हफ्ते होली का त्योहार है और इसको देखते हुए जहरीली शराब का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको बता दें, जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस प्रशासन जागा है, शराब की सरकार दुकान पर एडिशनल SP की छापेमारी हुई है। पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी से अवैध शराब मिली है, सरकारी ठेके से अंग्रेजी शराब 40 बोतल बियर भी बरामद की गई है। तो देखिए, बड़े एक्शन में नजर आए हैं पुलिस और आबकारी विभाग, यहां पर एक के बाद एक जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। त्योहारों का समय है और इसी बीच यहां पर जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस प्रशासन जागा है, शराब की सरकार दुकान पर छापेमारी की गई है, पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी से अवैध शराब मिली है। तो एक तरफ जहां 1 साल होने वाले हैं कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर हमारे संवाददाता रमन गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, अब उत्तर प्रदेश में कोरोना की दस्तक हो चुकी है, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी दिन प्रतिदिन इसका समय परीक्षण अपनी टीम के साथ करते हैं और मुझको लगता है कि जो भी उचित कदम है सरकार उठा रही है और सतर्कता के सभी जगह हम लोगों ने आदेश दिए हैं और जल्दी इस पर नियंत्रण के लिए सब उपाय होंगे। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी त्यौहार दिल्ली में नहीं मनाया जाएगा कोरोना संक्रमण को देखते हुए, यूपी में क्या व्यवस्था है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी सब दृश्य से उसका निर्णय लेंगे, अभी कोई ऐसा। तो ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार सजग है और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया है। कानपुर से रमन गुप्ता, News1 India। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर एक स्ट्रीट शीटर ने युवक को गोली मारी है, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक को धमकी देने का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा था। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से आ रही है, जहां स्ट्रीट शीटर ने युवक को गोली मारी है, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्ट्रीट शीटर उजाला ठाकुर और उसके साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले भी पीड़ित युवक को जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी, युवक को धमकाने का ऑडियो वायरल भी हुआ है। ऑडियो में हिस्ट्री शीटर अपना दबदबा बताता हुआ धमकी दे रहा है। News1 India इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बर्रा थाना क्षेत्र के
इलाके की ये पूरी वारदात है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है लेकिन न्यूज वन इंडिया उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। सुनिए। इंटर का छात्र है रंजीत जो है सनाफ सूर्यनाथ ई ब्लॉक बर्रा निवासी बर्रा केडीएम स्कूल के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर जो है कुछ हमला किया है जिसमें बुलेट इंजरी है। उसको पुलिस और उसके परिवारजनों के साथ जो है तत्काल जो है हेलट उपचार के लिए भेजा गया जहां उसका इलाज चल रहा है। और जैसे ही जो है उसकी अभी स्थिति जो है सामान्य है उपचार के बाद अगर कुछ जो है वो उससे पूछताछ की जाएगी अगर वो कुछ लोगों को बताता है तो उसके आधार पे और या जो भी तहरीर जो है उनके परिजन देते हैं उसको पंजीकृत करके जो है उसमें किया जाएगा। हेलो हेलो कौन उजाला बोल रहा है? हाँ भाई। हेलो हाँ भाई उजाला बोल रहा है? हाँ भाई। हम कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी बैठो हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं भी बैठो बैठो, लेकिन अभी कभी भी अपना मोहल्ला नहीं गंदा करा जाता है भाई जी। वही तो बात है। हमारे बगल में रहते हो, अभी तुम्हें गिरा के 10 बार तो तुम्हें बार बार कोई बचाने नहीं आएगा यार मेरे भाई। वो वाली बात ही नहीं, आप पता सुनो, हमने वही हमने और सुनो हमको हमने तुम्हारा नंबर अभी हमको अगर तुम किसी से फोन करा रहे हो कोई देखो किशन ने मुझसे फोन किया था तो उससे पूरी नाम ने जवाब में क्या कहा था, हमने यही कहा था कि क्या मार खाएगा ठीक है। तो हमें किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, और जब हम और ना हमें कोई फोन करेगा ना बोले कोई, देखो जब हम आए तो कोई बचा नहीं पाएगा। ये याद रखना कि तुम किसी से फोन करा लो नहीं, वो करा लो नहीं भाई जी। देखो पता हम उसमें मतलब नहीं हमने ये नहीं सोचा कि आप मारोगे कि क्या करो, आप हमें मार लो हमें कोई दिक्कत नहीं। छोटा भाई मानते लेकिन एक मेरा छोटा सा एग्जाम्पल समझना, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम्हें, अपने ऊपर ना लेना एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुमने मेरा मान लो कुछ भी गलत किया समझना, अभी हम पूरे घर भर को निकाल के मारे समझना, पूरे घर भर को। उसके बाद मेरे ऊपर 10 मुकदमे चल रहे हैं, तुम जाके मेरे ऊपर 1 मुकदमा और लिखा दो मेरे 11 हो जाएंगे, एक मेरी तारीफ बढ़ जाएगी, कौन सा मेरे फर्क पड़ जाएगा? आपके कोई फर्क नहीं पड़े। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।